अजीव पदार्थ की चर्चा प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हम दोहे को पढ़ेंगे। इवे अजीव ने ओल खाया प्यारा कहुँछु भाव भेद, थोड़ा सा प्रगट करूं ते सुन जो आण उम्मेद। इवे अजीव ने ओल खाया बा, अजीव ने मतलब अजीव पदार्थ की, ओलखाण का मतलब है पहचान, पहचान कराने के लिए प्यारा कौछु भाव भेद, प्यारा मैंने उसके यानी अजीव के, अजीव पदार्थ के भाव भेद कौछ मैंने कहता हूं, थोड़ा सा प्रकट करूं, उसमें से मैं थोड़े को प्रकट करूंगा यानी थोड़ा बताऊंगा। ते सुन जो आण उम्मेद, ते सुन जो मैंने उनको सुन जो मैं सुनना, आण उम्मेद यानी ध्यान पूर्वक सुनना उनको, आचार्य भिक्षु बता रहे हैं, क्योंकि आचार्य भिक्षु ने नव पदार्थ को लिखा है, तो आचार्य भिक्षु बता रहे हैं कि अजीव पदार्थ की पहचान कराने के लिए उसके भाव भेद संक्षेप में प्रकट करता हूँ, थोड़ा सा ना संक्षेप में के जिष्ट रूप में मैं बताऊंगा। ते सुन जो आण उम्मेद, उनको आप पूरा ध्यान पूर्वक एकाग्रचित पूर्वक सुनना। अब इसके ढाल बता रहे हैं। ये अजीव पदार्थ ओलखो, अजीव पदार्थ को ओलखो में पहचानो। धर्म अधर्म आकाश छे, काल ने पुद्गल जान जी, ए पांचू ही द्रव्य अजीव छे, त्यारी बुद्धवंत करो पिछाण जी। अजीव पदार्थ के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से द्रव्य? धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जान जी माने जानो, जान जी का माने जानो, किस किस को जानो? धर्म यानी धर्मास्तिका है, अधर्म का मतलब अधर्मास्तिका है, आकाश यानी आकाशास्तिका है, काल और पुद्गलास्तिका है को जानो। ये पांचू ही द्रव्य अजीव छे, ये पांचू ही द्रव्य, ये पांच जो द्रव्य है, ये पांचों के पांच द्रव्य क्या है? अजीव है। त्यारी बुद्धवंत करो पिछाण जी, बुद्धवंत का मतलब बुद्धिमान, त्यारी मैंने उनकी क्या करो पिछाण मैंने पहचान करो, किसकी? जो पांच अजीव द्रव्य है उनकी, बुद्धिमान जो व्यक्ति है उनके क्या करो पहचान करो कि धर्मास्तिका क्या है, अधर्मास्तिका क्या है, आकाशास्तिका क्या है, काल क्या है, पुद्गलास्तिका क्या है, इन पांचों द्रव्य जो अजीव है उनकी आप पहचान करो, इनको समझो जानो कि वो अजीव कैसे हैं। क्योंकि छह द्रव्य है उसमें एक जीव द्रव्य है, बाकी पांच अजीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य की हमने चर्चा की, तो अजीव द्रव्य की हम चर्चा करेंगे। वैसे पांच द्रव्य तो अजीव है और उसको बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसको क्या करना है? जानना है, पहचानना है। या में चार दर्पाने अरूपी कया, त्या में वर्ण गंध रस फरस राही जी। हमने जैन तत्व विद्या में पढ़ा कि जो पांच द्रव्य अजीव है उनमें से चार द्रव्य क्या है? या में यानी अजीव पदार्थ में, चार का मतलब चार, और दर्पाने, दर्पा का मतलब है द्रव्य को, चार द्रव्यों को अरूपी कहा, अरूपी गण अरूपी कहा गया है। क्या में वर्ण गंध रस स्पर्श नाही जी, क्या में का मतलब अजीव पदार्थ में वर्ण जो अरूपी पदार्थ है उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, क्योंकि एक रूपी है पुद्गलास्तिक है, बाकी चार तो अरूपी है। अरूपी क्यों है? क्योंकि उसमें क्या नहीं है? वर्ण यानी कलर नहीं है, स्मेल नहीं है, टेस्ट नहीं है, टच नहीं है, इसलिए वो चार अरूपी हैं। एक पुद्गल द्रव्य रूपी कहो, एक पुद्गलास्तिकाय को ही रूपी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्यों? कि वर्णाधिक सर्व तीन माही जी, उसमें वर्णाधिक यानी वर्ण गंध रस स्पर्श ये चारों के चार उसमें पाए जाते हैं, इसलिए पुद्गल को तो रूपी कहा है और शेष चार को अरूपी कहा है। अजीव पांच द्रव्य है उनमें से चार तो अरूपी है और एक पुद्गलास्तिकाय रूपी है। इसकी हमने चर्चा हमने जैन तत्व विद्या के अंतर्गत भी की थी और 25 बोल की चतुर्भंगी आई थी उसमें भी हमने की थी, तो ये आपको शायद क्लियर होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये पांचों ही द्रव्य भेला रहे पिण भेल सभेल न होए जी। ये पांचों ही द्रव्य भेला का मतलब एक साथ रहते हैं, भेला का मतलब भेगा, भेगा नहीं एक साथ रहते हैं, पिन भेल समेल न होए जी, भेल सभेल न होए जी, परंतु इसमें मिलावट नहीं है, भेड़ शेड़ बोलते हैं, शेड़ भेड़, इसमें भेल सभेल यानी
उसमें मिलावट नहीं होती, साथ साथ में रहते पांच जीव द्रव्य, लेकिन उसमें मिलावट नहीं होती, भेल सभेल नहीं, मिलावट नहीं होती, मिक्स नहीं होता है आपस में। आप तणो गुण ले रहे हैं, अपने अपने गुण उनमें होते हैं, ऐसा नहीं कि जीव का धर्मास्थिकाय का धर्मास्थिकाय में आ जाएगा, आकाशास्थिकाय में आ जाएगा, ऐसा नहीं, साथ में रहते हैं लेकिन उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। आप तणो गुण ले रहे हैं, आप तणो गुण ले रहे हैं, अपने अपने गुणों को वो धारण किए हुए रहते हैं। क्या ने भेला कर सके नहीं कोई जी, उनको कोई भी भेला नहीं कर सकता, यानी मिला नहीं सकता है, सब सेपरेट सेपरेट रहते हैं। अपने अपने जो गुण है, धर्मास्थिकाय का गुण है जैसे गति, अधर्मास्थिकाय का गुण है स्थिति, आकाशास्थिकाय गुण है भाजन, और काल का गुण है वर्तना, भूतकाल का है स्पर्श और गंध। तो ये अपने अपने जो गुण है वो सब अपने अपने गुण में रहते हैं, अपने अपने गुणों को ही धारण करके रहते हैं, कोई भी उनको मिला नहीं सकता है। ये पांचों ही द्रव्य एक साथ रहते हैं परंतु इनमें मिलावट नहीं होती, एक साथ रहने पर भी प्रत्येक अपने अपने गुणों को धारण किए हुए रहते हैं, उनको कोई मिला नहीं सकता। धर्म द्रव्य धर्मास्ति काय छे आस्ति ते छत्ती वस्तु ताई जी असंख्यात प्रदेश से तेना काय कही छे इन न्याय जी। अब धर्मास्ति काय को काय क्यों कहा गया वो बता रहे हैं, धर्म द्रव्य धर्मास्ति काय छे, धर्म द्रव्य क्या है, धर्मास्ति काय है। आस्ति ते छति वस्त ताहि जी, आस्ति का मतलब अस्थि, अस्थि का अर्थ क्या है, छति वस्त ताहि जी, जो वस्तु सत है, छति वस्त, छति माने सत है, वस्त माने वस्तु, जो वस्तु सत है, अस्थि अर्थात जो वस्तु सत है, सत का मतलब जिसका अस्तित्व है, आस्ति आस्ति यानी अस्थि, ते छति वस्त ताहे जी, अस्ति अर्थात जो वस्तु सत है, और असंख्यात प्रदेश छे तेहना, और उसके धर्मास्ति काय के प्रदेश कितने, असंख्य प्रदेश है, जैसे जीव के प्रदेश भी असंख्य है वैसे धर्मास्ति काय के प्रदेश भी असंख्य है। तेहना काय कही छे इन न्याय जी, इस न्याय से काय कहा गया है, धर्मास्ति काय को काय क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके असंख्य प्रदेश है, इस न्याय से उसको काय कहा गया है। तो धर्म द्रव्य धर्मास्ति का है आस्ति ते छति वस्तु ताहि जी, और अस्ति अर्थात जो वस्तु सत है उसके असंख्य प्रदेश है, उसके क्या मतलब धर्मास्ति काय के असंख्य प्रदेश है। काय कही छे इन न्याय जी, इस न्याय से काय कहा गया है, धर्मास्ति काय को काय क्यों कहा गया है, क्योंकि उसके असंख्य प्रदेश है। अस्थि का अर्थ है वस्तु, यहाँ पे दिया है अपन, अस्थि का अर्थ है प्रदेश, काय का अर्थ समूह, ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे आचार्य भिक्षु ने कहा है अस्थि का अर्थ, अस्थि का मतलब क्या है, वस्तु है, वो वस्तु क्या है, सत्य है, अस्थि अर्थात जो वस्तु सत्य है उसके असंख्य प्रदेश है, इस न्याय से इसे काय कहा गया है। अधर्म द्रव्य अधर्मास्ति काय छे आपिन छत्ती वस्त ताही जी असंख्यात प्रदेश से तेना तीन काय कही इन न्याय जी, जैसे धर्मास्तिकाय का बताए वैसे अधर्मास्तिकाय का बता रहे हैं आचार्य भिक्षु, कि बता रहे हैं कि अधर्म द्रव्य क्या है, अधर्मास्तिकाय छे, छे का मतलब है, अधर्म द्रव्य अधर्मास्तिकाय है आप ये छत्ती वस्त ताही जी, यह भी यानी यह भी क्या मतलब, अधर्मास्तिकाय भी क्या है, छत्ती वस्त माने सत वस्तु है, छत्ती का मतलब सत, वस्त माने वस्तु है, असंख्यात प्रदेश से तेहना, और अधर्मास्ति काय के भी असंख्यात प्रदेश है, असंख्य प्रदेश है। तीन ने काय कही इन न्याय जी, इस न्याय से, इन न्याय ने, इस न्याय से तीन ने उसको काय कही, मैंने काय कहा गया है। तो धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय को काय क्यों कहा है, क्योंकि उनके असंख्य प्रदेश है, इस न्याय से धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय को काय कहा गया है। अब तीसरा है द्रव्य आकाश, आकाश द्रव्य आकाशास्तिकाय छे आपके छति वस्तु छे ताही जी, आकाश भी आकाश द्रव्य क्या है, आकाशास्तिकाय है आपके मैंने यह भी ने आकाशास्तिकाय द्रव्य भी छति, छति का मतलब है सत वस्तु है, सत वस्तु है, और अनंत प्रदेश से
धर्मास्थि का है, धर्मास्थि का है कि तो असंख्य प्रदेश है, लेकिन आकाश शास्त्री का है कि अनंत प्रदेश है, अनंत प्रदेश से तेहना, तेहना मीन्स आकाश शास्त्री का है कि अनंत प्रदेश है। तीन सु काय कही जिन राय जी, इसलिए जिन भगवान ने इन इसको काय कहा है, भगवान महावीर ने धर्मास्थि काय को काय कहा है, वैसे आकाश शास्त्री काय को भी काय कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि आकाश शास्त्री काय के अनंत अनंत प्रदेश है, अनंत प्रदेश से तेहना यानी अनंत प्रदेश है, इसीलिए आकाश शास्त्री काय को भी भगवान महावीर ने काय कहा है। धर्मास्थि काय तो पहली छे लोक प्रमाण जी, मैंने धर्मास्थि का और अधर्मास्थि का है तो कहाँ तक है? लोक प्रमाण है, पहले मैंने विशाल विशाल लोक प्रमाण, यानी जितना लोक है उतने उतने ही उतने में धर्मास्थि का अधर्मास्थि का है, यानी धर्मास्थि का अधर्मास्थि का है जहां तक है वहां तक ही लोक है, जहां तक धर्मास्थि का अधर्मास्थि का है कि गति है वहां तक लोक है, जहां धर्मास्थि का अधर्मास्थि की गति नहीं वहां लोक नहीं, वहां क्या हो जाता है? अलोक हो जाता है। तो लोक अलोक प्रमाण आकाश शास्त्री, तो आकाश के दो भेद हम करते हैं लोक और अलोक, तो आकाश शास्त्री का लोक में भी है और अलोक में भी है। लामी ने पहली जान जी, लंबा और पहली मैंने विशाल है, आकाश शास्त्री का क्या है? लंबा है और पहली का मैंने विशाल है, और वो कहाँ तक है? धर्मास्थि का धर्मास्थि का है तो केवल लोक प्रमाण है, लेकिन आकाश शास्त्री का है लोक और अलोक प्रमाण है, और लंबी मैंने लंबा और विशाल है। आकाश शास्त्री का है वो लंबा भी है विशाल भी है, और कहाँ तक है? लोक और अलोक प्रमाण, यानी लोक और अलोक प्रमाण है, यानी लोक में भी है आकाश शास्त्री का है और अलोक में भी है, लेकिन धर्मास्थि का अधर्मास्थि का है केवल लोक में ही होते हैं, वो अलोक में नहीं होते हैं, इसीलिए जीव वहां गति नहीं करता है, जहां तक धर्मास्थि का अधर्मास्थि का होता है वहां तक ही जीव गति कर सकता है, उसके बाद जीव गति नहीं कर सकता है, इसलिए जो सिद्ध जीव होते हैं वो लोक के अग्र भाग में ही स्थित हो जाते हैं, उसके आगे वो भी गति नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां धर्मास्थिकाएं अधर्मास्थिकाएं नहीं होते हैं, अलोक में केवल आकाश ही होता है, और पांच द्रव्य वहां नहीं होता है, धर्मास्थिका अधर्मास्थिकाएं काल पुद्गल और जीव, वो पांचों के पांच द्रव्य अलोक में नहीं होते हैं, केवल आकाश ही वहां होता है। ये तीनों ही द्रव्य से जू जुआ जुआ गुण पर जाए जी, ये तीनों द्रव्य अलग अलग हैं। कौन तीन द्रव्य? धर्मास्थिका अधर्मास्थिका आकाश शास्त्रिका, ये तीनों ही द्रव्य जू जुआ मैंने अलग अलग है, जुआ गुण पर जाए जी, और तीनों के गुण और पर्याय भी जुआ मैंने अलग अलग हैं। प्यारी गुण पर जाए पलटे नहीं, उनका जो गुण है उनकी जो पर्याय है पलटे नहीं, उन्हें बदलती नहीं है। शास्ता तीन काल रे माही जी, तीनों काल में ये तीनों ही द्रव्य शाश्वत है, मतलब वो कभी भी नहीं बदलेंगे। धर्मास्थिका है हमेशा धर्मास्थिका है रहेगा, अधर्मास्थिका है हमेशा अधर्मास्थिका रहेगा, आकाश शास्त्रिका है वो हमेशा आकाश शास्त्रिका ही रहेगा, वो तीनों कालों में शाश्वत है, परमानेंट है तीनों ही द्रव्य। ये तीनों द्रव्य अलग अलग है, तीनों के गुण और पर्याय भिन्न भिन्न अलग अलग है, इनके गुण और पर्याय अपरिवर्तनशील, यानी कभी भी वो चेंज नहीं होते हैं, एक के गुण पर्याय दूसरे के नहीं होते। मैंने धर्मास्थिकाय का जैसे गुण है गति में हेल्प करना, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो थोड़े समय तो गति करेगा बाद में वो स्थिति करेगा, ऐसा नहीं, अपना जो गुण है अपनी जो क्वालिटी है उसको ही वो हमेशा बनाए रखता है, वो अधर्मास्थिकाय की क्वालिटी उसमें नहीं आएगी, धर्मास्थिकाय की क्वालिटी है वो उसमें ही रहेगी, यानी गति करना ही उसका नेचर है, तो हमेशा वो गति ही करेगा, वो बाकी कोई भी उसमें गुण और द्रव्य पर्याय उसमें प्रकट नहीं हो सकते हैं, यानी धर्मास्थिकाय का जो लक्षण है वो ही लक्षण उसमें हमेशा रहेगा, धर्मास्थिकाय का लक्षण अधर्मास्थिकाय में नहीं आ सकता है, और अधर्मास्थिकाय का लक्षण धर्मास्थिकाय में नहीं आ सकता है, वैसे आकाश में भी नहीं आ सकता है। आकाश का गुण क्या है? स्थान देना, अवकाश देना, भाजन गुण है, वो वही उनका गुण हमेशा रहेगा, ये तीनों ही द्रव्य हमेशा क्या है? परमानेंट है, शाश्वत है।
ए तीनों ही द्रव्य छे जू जुआ गुण पर जाए जी त्या में गुण पर जाए पलटे नहीं सास्ता तीन काल रे माही। ये तीनों ही द्रव्य शाश्वत हैं और इनके गुण और पर्याय कभी बदलते नहीं है और ये तीनों ही द्रव्य अलग अलग हैं इनके गुण पर्याय भी अलग अलग हैं। ये तीनों द्रव्य फैली रहा ते तो हाले चाले नाही जी। ये तीनों ही द्रव्य फैले हुए हैं फैली रहे मैंने फैले हुए तेतो का मतलब ये तीनों द्रव्य हाले चाले मैंने हाले मैंने हलन चाले में चलन हलन चलन नहीं करते ना मोमेंट नहीं करते हलन चलन नहीं करते हाले चाले ते पुद्गल जीव से हलन चलन कौन करता है जीव और पुद्गल वही हलन चलन करते हैं ते फिरे छे लोक रे माही जी। जीव और पुद्गल दो द्रव्य ऐसे हैं वो लोक के अंदर घूमते रहते हैं फैलते रहते फिरते रहते हैं इधर से उधर जाते रहते हैं एक स्थान से परमाणु दूसरे स्थान पे चला जाता है भूतगल जी से होता है ना वो चला जाता है जीव भी चला जाता है लेकिन धर्मास्तिका है अधर्मास्तिका है आकाशास्तिका ये तीनों द्रव्य तो फैले हुए हैं लेकिन वो हलन चलन नहीं करते हैं। हलन चलन करते कौन जीव और भूतगल वो पूरे लोक में ही घूमते रहते हैं फिरते रहते हैं। जीव ने भूतगल चाले तेने साज धर्मास्तिका है जी अनंता चाले त्याने साज छे 300 अनंती कहीं पर जाए जी। जीव और पुद्गल चाले यानी जीव और पुद्गल ही चाले में गति कर सकते हैं। साज धर्मास्तिका है जी उसमें धर्मास्तिका का सहारा रहता है जीव और पुद्गल जो मूवमेंट करते हैं उसमें हेल्प कौन करता है धर्मास्तिका है। यदि धर्मास्तिका ना हो तो जीव और पुद्गल गति नहीं कर सकते हैं। तो धर्मास्तिका क्या करता है उसको हेल्प करता है। जीव यदि मूवमेंट करता है तो उसमें हेल्प कौन करता है धर्मास्तिका। धर्मास्तिका हेल्प करता है इसीलिए जीव चल सकता है वैसे पुद्गल भी चल सकता है मतलब हेल्प करने वाला है धर्मास्तिका है। अनंता चारे त्याने साध छे तो गमन करते हुए अनंत जीव और पुद्गलों को सहारा देना देने से धर्मास्तिका के अनंत पर्याय कहे गए हैं। अनंता चाले चाले का मतलब गमन गमन करते हुए अनंत मैंने अनंत जीव और पुद्गलों को वो क्या करता है साज साज मैंने सहारा देता है नहीं हेल्प करता है 300 इसलिए अनंती कहीं पर जाए जी। धर्मास्तिका के अनंत पर्याय कहे गए हैं क्योंकि तो जीव और पुद्गल अनंत हैं उनको वो सबको हेल्प करता है इसीलिए धर्मास्तिका के पर्याय भी अनंत कहे गए हैं। तो समझ में आ गया कि जीव और पुद्गल ही गति करते हैं और उसमें हेल्प करने वाला कौन है धर्मास्तिका है। तो गमन करते हुए जीव को और पुद्गल को हेल्प करने वाला है धर्मास्तिका है और 300 इसीलिए धर्मास्तिका की अनंती कही पर जाए जी अनंत पर्याय कही गए हैं। जीव ने पुद्गल थिर रहे तीन ने साज अधर्मास्तिकाय जी अनंता थिर रहे त्याने साज छे 300 अनंती कही पर जाए जी। जीव और पुद्गल जो स्थिर रहते हैं मूवमेंट करते हैं उसमें तो हेल्प करता है धर्मास्तिकाय जो स्थिर रहते हैं जीव और पुद्गल तो उसमें हेल्प कौन करता है अधर्मास्तिकाय साज का मतलब है सहयोग करता है हेल्प करता है वो अधर्मास्तिकाय। अनंता थिर रहे त्याने साज छे अनंता जो स्थिर रहते हैं उनको हेल्प करने वाला है धर्मास्ति अधर्मास्तिका है इसीलिए अधर्मास्तिकाय की पर्याय भी अनंत कही गई है। जैसे धर्मास्तिकाय की पर्याय अनंत कही गई है वैसे अधर्मास्तिकाय की पर्याय भी अनंत कही गई है। जीव और पुद्गल स्थिर रहते हैं उनको धर्मास्तिकाय का सहारा रहता है स्थिर होते हुए अनंत जीव और पुद्गलों का सहायक होने से अधर्मास्तिकाय के अनंत पर्याय कहे गए हैं। जीव अजीव सर्व दर्भ नो भाजन आकाशास्तिक काय जी अनंतारो भाजन तेसु अनंती कहीं पर जाए जी। तो जीव और अजीव सर्व दर्भ ने सभी द्रव्यों का जीव और अजीव सर्व ने सभी दर्भ ने द्रव्य नो मिस का सभी द्रव्यों का भाजन आकाशास्तिक काय जी। भाजन का मतलब स्थान जीव यदि रुकता है तो अजीव यदि रुकता है तो उनको स्थान कौन देता है आकाशास्तिकाय देता है। सर्व जीव अजीव द्रव्यों का भाजन यानी स्थान है आकाशास्तिकाय
अनंत तारो भाजन तेसु, अनंत पदार्थों का भाजन होने से, अनंत पदार्थों का भाजन का स्थान देने के कारण अनंत ही कही परछाई जी, इसके भी अनंत पर्याय कहे गए हैं। इसके आकाशास्ती कहे गए, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय की पर्याय तो क्या है, पर्याय भी अनंत ही है, तो आकाशास्तिकाय की पर्याय भी अनंत ही है, क्योंकि वो भी क्या करता है, जीव और अजीव जो भी ठहरते हैं रुकते हैं तो उनको हेल्प करने वाला है, स्थान देने वाला कौन है, आकाशास्तिकाय। यदि आकाशास्तिकाय न हो तो कोई भी जीव रुक नहीं सकता है, उनको स्थान ही नहीं मिलेगा रुकने के लिए, तो वो कहाँ, वो चलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो जीव और अजीव सर्व द्रव्य, सभी द्रव्यों का भाजन स्थान देने वाला, सभी द्रव्यों को स्थान देने वाला है आकाशास्ति का है। और अनंतारो भाजन तेसु, अनंत पदार्थों का भाजन होने से अनंत ही कही पर जाए, जिसके अनंत पर्याय कहे गए हैं। चाल चाल वाने साज धर्मास्ती, थिर रह वाने अधर्मास्ती का है जी। इसमें बताया कि चलने वाले धर्मास्ती का किसमें हेल्प करता है, चलने में, ठीक है। चाल वाले, चाल वाने का मतलब चलने में, चाल वाने यानी चलने में साज मने हेल्प करता है धर्मास्ती का है। स्थिर रह माने अधर्मास्ती का है जी, स्थिर रहने में सहायक करता है अधर्मास्ती का है। यदि कोई जीव और पुद्गल स्थिर रहता है उनको हेल्प कौन करता है, अधर्मास्ती का है। यदि कोई मूवमेंट करता है जीव और पुद्गल चलते हैं उनको हेल्प करता है धर्मास्ती का है। आकाश विकास भाजन गुण सर्व द्रव्य रहे तीन माही जी, आकाश शास्ति का विस्तार भाजन गुण है, यानी स्थान देना उनका गुण है। सर्व द्रव्य रहे तीन माही जी, सर्व द्रव्य उसी में रहते हैं, आकाश में ही सभी द्रव्य रहते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, सभी द्रव्य को रहने के लिए स्थान देता है। यदि आकाश स्थान ना दे तो कोई द्रव्य नहीं रह सकता है। आकाश शास्त्री क्या क्या करता है, सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। धर्मास्ती का है तो क्या करता है, जो चलते हैं उनको हेल्प करता है, अधर्मास्ती का है जो स्थिर रहते हैं उनको हेल्प करता है। लेकिन आकाश क्या करता है, इतना विस्तार है उनका, वो क्या करता है, सभी द्रव्यों को वो रहने के लिए स्थान देता है। धर्मास्ती रातीन बेचे खंड ने देश परदेश जी, आखी धर्मास्ती खंड से ते उणी नहीं लवलेश जी। धर्मास्ती का रा तीन भेद जी, धर्मास्ती का के तीन भेद है, रामिस का धर्मास्ती यानी धर्मास्ती, रायनिक का धर्मास्ती का के तीन भेद जी, तीन भेद छे ने तीन भेद है, कौन कौन से, खंड ने देश परदेश जी। खंड का मतलब स्कंद, देश का मतलब देश, और परदेश का मतलब प्रदेश। आखी, आखी का मतलब संपूर्ण, धर्मास्ती खंड से संपूर्ण जो धर्मास्ती का है उसको हम क्या कहेंगे, स्कंद कहेंगे। ते उणी नहीं लवड़े सी, मैं जरा भी मैंने उणी मैंने कमी, उसमें कुछ भी न्यून नहीं हो सकता है, कम नहीं हो सकता, संपूर्ण धर्मास्ती का है उसको ही हम स्कंद कहेंगे। थोड़ा कम होगा तो वो स्कंद नहीं कहलाएगा। ते उणी नहीं लवड़े सी, वो जरा भी न्यून नहीं है, उणी का मतलब है न्यून कम, नहीं लवलेस में, लवलेस में थोड़ी सी भी उणी नहीं, यानी कम नहीं है न्यून नहीं है। तो धर्मास्तिका के तीन भेद, स्कंद देश प्रदेश और आखी धर्मास्तिका स्कंद। अब स्कंद किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है कि धर्मास्तिका को स्कंद कहते हैं, संपूर्ण धर्मास्तिका को स्कंद कहते हैं। आखी का मतलब संपूर्ण, धर्मास्तिका को खंड से धर्मास्तिका को स्कंद कहते हैं, संपूर्ण धर्मास्तिका को स्कंद कहते हैं। ते उणी नहीं लवलेसी, मैं जरा भी, लवलेस में थोड़ी भी, उणी का मतलब कम नहीं है न्यून नहीं है, मतलब संपूर्ण धर्मास्ती का को ही स्कंद कहेंगे। थोड़ा सा भी कम होगा तो उसको हम स्कंद नहीं कहेंगे। हमारे 15 जो ढाल है अजीव पदार्थ के, इसके 15 हमने दोहे कंप्लीट कर लिए हैं। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। समझे, ये अनंत और असंख्य भी अलग अलग यूज होता है, तो इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस है क्या?